Hello students, myself Brinda Patel, Assistant Professor in Computer Engineering Department at Sri Swaminarayan Institute of Technology. आज हम practicals देखेंगे data transfer instructions. So पहला practical है write a program to copy the data from register C to register D. तो हमें पता है कि रजिस्टर सी से रजिस्टर डी यानी कि दोनों रजिस्टर्स स्तर में अगर हमको ट्रांसफर करना है तो कौन सा इंस्ट्रक्शन हम यूज करेंगे, मूव. अभी हमको क्या करना है, रजिस्टर सी में से डेटा रजिस्टर डी में हमको कॉपी करना है, राइट. तो हम क्या करेंगे, अगर रजिस्टर सी का डेटा है सपोज 21, राइट, हमको क्या करना है, रजिस्टर सी में से डेटा कॉपी करके रजिस्टर डी में डालना है. तो रजिस्टर सी में 20 का है तो हम कौन सा इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे, मूव सी डी सी, यानी कि ये सोर्स रजिस्टर में से डेटा डेस्टिनेशन रजिस्टर का डेटा सोर्स रजिस्टर. अब इसको असेंबल करते हैं. तो यहाँ पे जो सी रजिस्टर का डेटा था वो कॉपी होके कहाँ पे आ गया, यहाँ पे डी रजिस्टर 21 यहाँ था, ये कॉपी हो गया 21 यहाँ पे आ गया, राइट. नाउ दूसरा प्रैक्टिकल क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू कॉपी डेटा फ्रॉम रजिस्टर बी टू मेमोरी लोकेशन 9000H. यहाँ पे क्या था, हमको एक रजिस्टर में से दूसरे रजिस्टर में डेटा कॉपी करना था. यहाँ पे क्या है, हमको एक रजिस्टर में से डेटा कॉपी करके एक मेमोरी लोकेशन पे कॉपी करवाना है. ये रजिस्टर बी का डेटा कॉपी कहाँ पे करवाएंगे, 9000H मेमोरी लोकेशन पे. अब क्या करेंगे हम, ये सेट करते हैं 00 में. अब हम क्या करेंगे, पहले मूव इमीडिएट डेटा 52H टू रजिस्टर बी. क्यों, क्योंकि हमको पहले कौन सा डेटा कॉपी करना है, रजिस्टर बी का डेटा इस मेमोरी लोकेशन पे कॉपी करना है, राइट. तो रजिस्टर बी में पहला डेटा हम डालेंगे, राइट. बी रजिस्टर में कोई तो डेटा होना चाहिए, तो बी रजिस्टर में हम डेटा कैसे डालेंगे, ये इंस्ट्रक्शन यूज कर. So move immediate data means ये 52 data to B register. उसके बाद हम क्या करवाएंगे, इस data को accumulator में copy करें. So move AB यानी कि B में कौन सा data है 52, तो 52 वाला data हम accumulator में copy करेंगे. उसके बाद accumulator वाला data हम कहाँ पे store करवाएंगे, इस मेमोरी लोकेशन 9000H में. बी का डेटा एक्यूमुलेटर में कॉपी हो गया, अभी स्टोर दिस ये मेमोरी लोकेशन का डेटा हम स्टोर करेंगे एक्यूमुलेटर में, राइट. एंड हंट, सो असेंबल करके देखते हैं. 52 यहाँ पे आ गया, 52 हमने डेटा बी रजिस्टर में लोड करवा दिया. अभी बी का डेटा हमने अक्यूमुलेटर में मूव ए बी, बी का डेटा अक्यूमुलेटर में हमने कॉपी करवा दिया. नाउ अक्यूमुलेटर में कौन सा डेटा है, अभी 52 वो हमने इस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर करवा दिया. सो स्टोर 9000H, स्टोर स्टोर द डेटा ऑफ अक्यूमुलेटर एट दिस लोकेशन, राइट. तो इसको रन करके देखते हैं, 52 आ गया. नाउ तीसरा कौन सा है, राइट अ प्रोग्राम एक्सचेंजिंग 2 8-bit नंबर्स स्टोर्ड इन मेमोरी लोकेशन 2050H एंड 2050 मींस हमको क्या करना है, ये मेमोरी लोकेशन वाला डेटा और ये मेमोरी लोकेशन वाला डेटा दोनों को एक्सचेंज करना है. 2050 का डेटा यहाँ पे
स्टोर करवाना है 2051 पे, एंड 2051 वाला डेटा यहाँ पे स्टोर करवाना है 2056 पे। सो अब हम क्या करेंगे, इसको शुरू कर देते हैं। अब क्या करेंगे हम, पहले फ्लोर 2050H, 2050 पे H पे है सपोज 30, 2051 लोकेशन पे डेटा है 60। हमको क्या करना है, ये डेटा को एक्सचेंज करना है, 60 को 2050 लोकेशन पे डालना है और 30 को 2051 लोकेशन पे डालना है। सो लोड करेंगे पहले डेटा किसका, 2050 का, राइट। उसके बाद उस डेटा को हम कहां पे मूव करवाएंगे, अक्यूमुलेटर में से डी रजिस्टर, सॉरी लोड अक्यूमुलेटर विद डेटा ऑफ दिस मेमोरी लोकेशन मीन्स 30। अब क्या करेंगे, अक्यूमुलेटर में कौन सा डेटा आ गया, इस मेमोरी लोकेशन का 2050 मेमोरी लोकेशन का डेटा, जो कौन सा है 30। सो यहाँ पे 30 आ गया। अब हम ये डेटा जो है अक्यूमुलेटर वाला डेटा, वो मूव कहाँ पे करवाएंगे, बी रजिस्टर में। सो दैट इज वाई मूव बी ए। नाउ एल डी ए 2051H। अब हम अक्यूमुलेटर को लोड किससे करवाएंगे, 2051 लोकेशन पे जो डेटा है, 2051 मेमोरी लोकेशन पे जो डेटा है, उस डेटा से, यानी कि 60। तो अक्यूमुलेटर में कौन सा डेटा आ गया, 60। अब इसको हम क्या करेंगे, एस टी ए 2050H। अब 2050H मेमोरी लोकेशन कौन सा है, ये इसका डेटा कौन सा है 30। उसको हम एक्यूमुलेटर में स्टोर करवाएंगे, राइट। मींस इसका डेटा जो है वो हम स्टोर कहां पे करवाएंगे, अक्यूमुलेटर में कौन सा डेटा होगा, अभी अक्यूमुलेटर में डेटा ये वाला होगा क्योंकि हमने 60 वाला, तो 60 वाला डेटा अब 2050 मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होगा, राइट। एंड नाउ मूव बी रजिस्टर में जो डेटा है, ठीक है, वो कहां पे मूव होगा, अक्यूमुलेटर में, कॉपी कहां पे होगा, अक्यूमुलेटर में, देन स्टोर दैट 2051H। इस अक्यूमुलेटर का डेटा है, अब कौन सा डेटा होगा यहाँ पे, बी रजिस्टर का, राइट। वो डेटा भी कहां पे स्टोर होगा, 2051 मेमोरी लोकेशन। सो हो गया 2051 का यहाँ पे और 2050 का यहाँ पे। एंड असेंबल, सिंगल स्टेप में रन करके देखते हैं। 2050 लोकेशन पे डेटा है 30, वो यहाँ पे अक्यूमुलेटर में लोड हो गया। अक्यूमुलेटर का डेटा बी रजिस्टर में कॉपी हुआ, सो यस अक्यूमुलेटर का डेटा बी रजिस्टर में कॉपी हो गया 30। 2051 का डेटा वो क्या है, 60, वो अक्यूमुलेटर में लोड हो गया, यस 60। बी रजिस्टर का डेटा ए रजिस्टर में कॉपी हो गया, यस बी रजिस्टर में जो 60 डेटा था वो यहाँ पे कॉपी हो गया, राइट। सॉरी स्टोर एस टी ए 2050H मीन्स 2050 मेमोरी लोकेशन पे, अक्यूमुलेटर का डेटा कौन सा था 60, वो लोड हो गया, यस यहाँ पे 60 आ गया। बी रजिस्टर का डेटा अक्यूमुलेटर में कॉपी करना है, राइट। सो बी रजिस्टर का डेटा 30 था, वो अक्यूमुलेटर में कॉपी हो गया, यस। 2051 मेमोरी लोकेशन वाला जो डेटा था, ठीक है, वो स्टोर हो गया अक्यूमुलेटर, राइट। 30 अक्यूमुलेटर में स्टोर हो गया, यस। सो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 30 था तो यहाँ पे 60 आ गया, यहाँ पे 60 था तो यहाँ पे 30 आ गया। सो डेटा
एक्सचेंज हो गया, राइट। नाउ फोर्थ नंबर का प्रैक्टिकल है, राइट अ प्रोग्राम टू कॉपी डेटा फ्रॉम मेमोरी लोकेशन 9000H टू रजिस्टर सी। अभी मेमोरी लोकेशंस में से डेटा हमको कॉपी करना है रजिस्टर में, राइट। तो अब क्या करेंगे, डेटा लोड करवाएंगे हम पहले 9000, ये जो मेमोरी लोकेशन पे सपोज डेटा है 52, सपोज 52 डेटा है, तो ये डेटा हम अक्यूमुलेटर में लोड करवाएंगे पहले, राइट। आफ्टर दैट अक्यूमुलेटर का डेटा हम रजिस्टर सी में मूव करवाएंगे, सी में कॉपी करवाएंगे, राइट। सो मूव डेटा ऑफ सॉरी अक्यूमुलेटर टू रजिस्टर सी एंड तो हम देखते हैं हमको क्या करना है, मेमोरी लोकेशन, इस मेमोरी लोकेशन का डेटा रजिस्टर सी में कॉपी करना है। तो इस मेमोरी लोकेशन में पहले हम डेटा कहाँ से लाएंगे, तो लोड करवाएंगे, ठीक है। सो 52 वाला जो डेटा है वो अक्यूमुलेटर में पहले लोड हो जाएगा, उसके बाद ये अक्यूमुलेटर वाला डेटा हम सी रजिस्टर में ट्रांसफर कॉपी कर देंगे, राइट। असेंबल करके देखते हैं, अक्यूमुलेटर में आ गया 52 डेटा, लोड अक्यूमुलेटर विथ दिस मेमोरी लोकेशन डेटा। ए रजिस्टर का अक्यूमुलेटर का डेटा हमने सी रजिस्टर में कॉपी कर दिया, सो दिस इज अवर रिजल्ट। हमको मेमोरी लोकेशन पे जो डेटा था 52 वो यहाँ रजिस्टर सी में मिल गया, राइट। नाउ लास्ट प्रोग्राम कौन सा है प्रैक्टिकल 2 सेशन का, राइट अ प्रोग्राम टू कॉपी अ डेटा फ्रॉम मेमोरी लोकेशन 9000H टू मेमोरी लोकेशन 9100H। मतलब हमको एक मेमोरी लोकेशन से दूसरी मेमोरी लोकेशन पे डेटा कॉपी करना है। सो अब इसमें क्या होगा, सपोज 9000 मेमोरी लोकेशन पे डेटा कौन सा है 52, ठीक है। हमको ये डेटा कहाँ पे कॉपी करना है, 9001 मेमोरी लोकेशन पे। तो हम क्या करेंगे, पहले ये जो 9000 मेमोरी लोकेशन पे कौन सा डेटा है 52, उसको हम पहले अक्यूमुलेटर में लोड करवाएंगे। यहाँ पे मैं अभी 00 कर देती हूँ, राइट। फिर क्या करवाएंगे, ये डेटा हम 9001 मेमोरी लोकेशन पे स्टोर करवाएंगे। अक्यूमुलेटर में भी कौन सा डेटा है 52, तो 52 वाला डेटा हम इस 9001 मेमोरी लोकेशन पे स्टोर करवाएंगे। सो हमको 90 ये मेमोरी लोकेशन वाला डेटा इस मेमोरी लोकेशन पे मिल जाएगा, राइट। एंड अभी असेंबल करके देखते हैं, फिर से यहाँ पे मैं 00 कर देती हूँ, यहाँ पे 00 कर देती हूँ, राइट। फिर असेंबल करके देखते हैं, सो लोड अक्यूमुलेटर विथ मेमोरी लोकेशन 9000H पे जो डेटा है, सो 52 यहाँ पे अक्यूमुलेटर में लोड हो गया। अभी अक्यूमुलेटर का डेटा हम वहाँ पे स्टोर करवाएंगे इस मेमोरी लोकेशन पे 9001 पे, तो यहाँ पे हमको 52 मिल गया, सो 9000 पे जो डेटा था वो यहाँ पे कॉपी हो गया, राइट। दिस इज अवर रीजन।